focus. Ideate. Innovate. Enable. होलिया में उडेर गुलाल गल मंगे राजस्थान की राजधानी जयपुर से 412 किलोमीटर की दूरी पर स्थित उदयपुर एक जमाने में मेवाड़ की राजधानी हुआ करता था, जिसे महाराजा उदय सिंह ने साल 1557 ईस्वी में बसाया था और उन्हीं के नाम पर इस शहर का नाम उदयपुर पड़ा। आज महाराणा प्रताप की यह भूमि है और विश्व में मेरे ख्याल से आजादी का पहला संदेश देने वाला कोई अगर महाराणा था तो महाराणा प्रताप था। शिवाजी ने भी शायद उन्हीं को आगे अनुकरण करके अपने आप को आगे बढ़ाया। तो विश्व प्रसिद्ध यह स्थली भी यहाँ की है और बाकी जितने स्थल हमने यहाँ डेवलप किए हैं, पन्ना धाय का हमने एक यहाँ बढ़िया गोवर्धन सागर पर हम बढ़िया सा एक सौर्य दीर्घा बनाई है उनकी, हमने यहाँ पर जो फतेह सागर के किनारे एक मेवाड़ दर्शन दीर्घा हमने बनाई है, जहाँ पर पूरे मेवाड़ के जितने ऐतिहासिक स्थल हैं, जितने टूरिस्ट सेंटर्स हैं, उन सबको हमने चित्रित किया सफेद मार्बल पर एकदम, और उनके साथ साथ उनका विवरण दिया हुआ है कि ये चित्र जहां का है उसका वास्तव में महत्व क्यों है। चारों ओर से अरावली की खूबसूरत पहाड़ियों से घिरा उदयपुर शहर स्मार्ट सिटी बनने की राह पर चल पड़ा है। लगभग 5 लाख की आबादी वाले उदयपुर शहर को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए चुने गए पहले 20 शहरों की सूची में 16वें स्थान पर रखा गया है। सिटी ऑफ लेक के नाम से मशहूर उदयपुर शहर का इतिहास लगभग 600 साल पुराना है। भव्य और अद्भुत वास्तुकला से निर्मित मंदिर और हवेलियों जैसी प्राचीन धरोहर और झीलें उदयपुर की शान में 4 चांद लगा देती हैं। स्मार्ट सिटी होने की वजह से लाइक होने वाला है डेवलप इनटू अ स्मार्ट सिटी, तो बहुत ही अच्छा फायदा होगा राजस्थान टूरिज्म को और ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे टूरिस्ट, विच अपने लिए अच्छा है, जो अपने लिए फायदेमंद है और लोग भी ज्यादा कोऑपरेटिव है, ज्यादा सब हेल्प कर रहे हैं और क्लीनिंग मेन तो क्लीनिनेस का सबसे ज्यादा प्रचार है जो अच्छा हो रहा है। लेक सिटी मतलब लेक सिटी सुन के आए थे, लेक बहुत बढ़िया लगे और ये सहेलियों की वाड़ी बहुत बढ़िया लगी और टूरिस्टों के लिए मतलब खास ध्यान रखना चाहिए क्योंकि यहाँ टूरिस्ट बहुत ज्यादा आ रहे हैं। हम यहाँ नोएडा से आए हैं और यहाँ पे आके हमें बहुत ही अच्छा लगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्मार्ट सिटी बन चुका है और ऑल द थिंग्स वी आर गोइंग टू बी एज अ स्मार्ट, तो जो भी चीजें हम दे रहे हैं वो कैशलेस है। एज मनी की प्रॉब्लम थी, हमें लग रहा था कि कुछ प्रॉब्लम आएगी एज सच, बट ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, कैशलेस था सब। और सबसे अच्छा फतेहपुर सागर लेक है यहाँ पे, ये बाड़ी जो उन्होंने बनाई थी अपनी वाइफ्स के लिए वो ये सबसे अच्छी है। सिटी पैलेस इज वेरी गुड। उदयपुर की खूबसूरत सांस्कृतिक धरोहर जैसे जगदीश मंदिर, अम्बराई घाट और जग मंदिर पैलेस इस शहर को दुनिया के बेहतरीन शहरों में शुमार करते हैं। अपने रूमानी वातावरण की वजह से उदयपुर को वेनिस ऑफ ईस्ट भी कहा जाता है। अपने प्राकृतिक संसाधनों और दार्शनिक स्थलों के लिए मशहूर उदयपुर को कई बार फर्स्ट डेस्टिनेशन ऑफ वर्ल्ड की उपाधि से भी नवाजा जा चुका है। ये कई बार इसको दुनिया का फर्स्ट डेस्टिनेशन भी घोषित किया गया है। अब इसमें इस तरह जो यहाँ पे टूरिज्म सबसे बड़ा व्यवसाय है। I quite like it because it has a European kind of way, especially the old city. It's very easy to be here as a tourist because things are very easy access. I love Udaipur and I love the lake and it's worth coming to see. Very friendly people also here in Udaipur. Beautiful views on the lake, beautiful buildings. So I would recommend to come to every foreigner to pay a visit once a time to Udaipur. Udaipur is an amazing city in India. The lake is so beautiful and the people are so nice. We really like the atmosphere in this city. Yeah, people are very helpful. When we are lost, we can ask our way. So it's very easy to travel in Udaipur. And the food is very good too. We are just next to the lake, so it's very quiet places. Udaipur ki sabse achhi yahan ki kachori, yahan ki Bombay market, yahan ki chaat pakodi and all sankri sankri galiya, historical palace and imarte, purane kile, to
ये सब मुझे बहुत अच्छा लगा। किसी भी शहर का कायाकल्प करना बहुत बड़ी चुनौती होती है। पुरानी सड़कों से लेकर जल निकास, बिजली और यातायात जैसी चीजों के बदलने और सड़कों के बीच में बनी इमारतों को हटाने से लेकर नए संसाधन उपलब्ध कराना और नागरिकों को उसके लिए तैयार करना एक बड़ी चुनौती भरा काम है, पर स्मार्ट सिटी बनने के अपने फायदे हैं। पहला तो रहन सहन का जो स्तर अपना है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जिसको हम बोलते हैं, वह निश्चित रूप से ऊपर आएगा, बढ़ेगा। और फिर दूसरा, जब टूरिज्म पर हमने फोकस किया, जैसे मैंने अभी आपको निवेदन किया था कि जब हमने वो फॉर्म्स भरवाए थे ऑफलाइन, तो 44% लोगों ने, 44% लोगों ने कहा कि सबसे पहले स्मार्ट सिटी में टूरिज्म को बढ़ावा देना चाहिए। प्लस जनता भी यहां की कितनी स्मार्ट रही, उन्होंने टूरिज्म को बढ़ावा देने का, टूरिज्म बढ़ाने का मतलब यातायात अच्छा होना चाहिए, सड़कें अच्छी होनी चाहिए, बिजली की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, पानी की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, मतलब उन्होंने एक ही शब्द में हमें सारे आदेश दे दिए। स्मार्ट सिटी हो रहा है तो बहुत सारा पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है, पर्यटन से जुड़ा हुआ ऑलमोस्ट जो 40% पीपल डिपेंड है टूरिज्म के ऊपर है, इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो बहुत सारे जनों को रोजगार मिल रहा है, रोजगार मिलने के साथ साथ बहुत सारी अपॉर्चुनिटी भी आ रही है। हम हर प्रयत्न ये करेंगे कि उदयपुर स्वच्छ रहे, हर पर्यटक को समझाएंगे साफ सफाई वगैरह का पूरा ध्यान रखें, हम भी पूरा सहयोग देंगे और आप भी हमारा पूरा सहयोग दो जिससे हमारा उदयपुर स्वच्छ रहे और स्मार्ट सिटी जैसा वास्तव में है नहीं, लगने लगे। हमारे लिए स्मार्ट सिटी का मतलब है आसपास का वातावरण स्वच्छ हो, अच्छी सड़कें मिले हमें और अधिक से अधिक हम पेड़ पौधे लगा के उन वातावरण को स्वच्छ बनाएं। सबसे पहले नागरिक को अपना कर्तव्य समझना पड़ेगा कि अपनी उदयपुर जो सिटी है, शहर के प्रति अपने क्या कर्तव्य है। जिस प्रकार हम एक घर को, अपने घर को स्वच्छ रखते हैं, स्वच्छ वातावरण रखते हैं, अच्छा उसको साफ सफाई रखते हैं, उसी प्रकार जहां तक जिम्मेदारी हमारी भी होनी चाहिए कि सफाई जहां देखें या ऐसे तो किसी को टोके या जहां डस्टबिन है वहां अपन कचरा फेंके, जहां सार्वजनिक जगह हम आते हैं घूमने जिलों के आसपास, और कोई भी नागरिक अगर उसमें गंदगी करता पाया जाए तो हमें भी उसे विनम्र अनुरोध करना चाहिए, थोड़ा उसको महत्व समझाना चाहिए कि उदयपुर को स्वच्छ रखने में हमारा भी योगदान होना चाहिए। उदयपुर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए दो हिस्सों में बांटा गया है, बाउंड्री के अंदर वाला शहर और बाहर वाला शहर। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए आने वाला खर्च और उसे तामील कराने की बड़ी जिम्मेदारी यहां के प्रशासन की है, जिसे बखूबी अंजाम दिया जा रहा है। उदयपुर स्मार्ट सिटी योजना टोटल 1221 करोड़ की है, जिसके दो मुख्य पहलू हैं। पहला जो यहां का पुराने शहर का भाग है जिसे वॉल्ड सिटी एरिया कहा जाता है, उसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चरल कंपोनेंट के काम है, जिसमें नई सीवरेज लाइन बिछाना, 24 घंटे पानी की सप्लाई करना, जो बिजली की तारें जा रही हैं उन्हें भूमिगत करना, नई पार्किंग फैसिलिटीज क्रिएट करना, ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर काम करना, और साथ ही साथ वहां पे जो हेरिटेज स्ट्रक्चर्स हैं उनके कंजर्वेशन का काम करते हुए फसाड इम्प्रूवमेंट, कॉमन साइनेज और पेडेस्ट्रियनाइजेशन, ताकि जो टूरिस्ट वहां पे आ रहा है उसको बेहतर सुविधाएं मिल सकें। साथ ही साथ पूरे शहर के लिए दो कंपोनेंट्स लिए गए हैं जिनके ऊपर आईटी और स्मार्ट सॉल्यूशन से काम किया जाएगा। उनमें सबसे पहला है ट्रांसपोर्टेशन, जिनमें नई बसें और नए जो बस क्यू शेल्टर्स होंगे उनमें सभी तरह की फैसिलिटीज जो भी टूरिस्ट है या लोकल यहां पे हमारे रेजिडेंट्स हैं उनको मिलेगी। और साथ ही साथ पूरे शहर में पानी और बिजली के लिए स्मार्ट मीटर्स की योजना बनाई गई है, जिससे आपको क्षण क्षण की खबर मिल पाएगी कि आपने आज कितनी पानी, कितनी बिजली का प्रयोग किया है, और साथ ही साथ जो सरकारी विभाग है वो भी जान पाएंगे कि किस एरिया में पानी की सप्लाई में कोई लीकेज आ रही है, तो इमीडिएटली, ताकि उसका निस्तारण किया जा सके। स्मार्ट सिटी बनाते वक्त सबसे अहम जिम्मेदारी होती है वहां का जल प्रबंधन, ताकि पीने के स्वच्छ पानी से लेकर दूषित जल दोनों का संचालन प्रभावी ढंग से हो सके। वेस्ट वाटर मैनेजमेंट के लिए हमने यहां पे काफी अहम योजना बनाई है, जिसका हमने अभी इसी हफ्ते टेंडर भी जारी कर दिया है, जिसके तहत 80 करोड़ की योजना में जो शहर की अभी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट कैपेसिटी है वो 20 एमएलडी है, इस कैपेसिटी को हम बढ़ाकर 60 एमएलडी करने जा रहे हैं, और यह काम पीपीपी मोड पे किया जा रहा है, जिसमें 40% जो खर्चा किया जाएगा वो सरकार के द्वारा किया जाएगा स्मार्ट सिटी योजना के तहत, और 60% खर्चा एक प्राइवेट पार्टी के द्वारा किया जाएगा जो भी इस टेंडर प्रक्रिया में भाग लेते हैं। इसकी महत्वपूर्ण जो इसका भाग है वो ये है कि शहर में पहली बार जो शहर आज तक सीवरेज लगभग जनरेट कर रहा है वो 57 एमएलडी के करीब है,
और पहली बार हमारी ट्रीटमेंट कैपेसिटी जो हम वेस्ट वाटर जनरेट कर रहे हैं उससे ज्यादा हो जाएगी। तीन चार जो मुख्य चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी है वो है कि हमारे यहाँ का सैनिटेशन, सीवरेज एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो यूटिलिटी, इसके अलावा हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है जो सिटी का लोकल का वो बिल्कुल पोल्यूशन फ्री हो, क्योंकि आपको पता है कि बड़े शहरों के क्या हालात हैं। हम नहीं चाहते कि स्मार्ट सिटी के नाम पे हम लोग इस तरह से कोई ऐसा रैपिड डेवलपमेंट करें कि हमारे यहाँ पोल्यूशन की प्रॉब्लम्स आए। वक्त हो चला है एक ब्रेक का और ब्रेक के उस पार हम देखेंगे उदयपुर को स्मार्ट सिटी बनाने में उठाए जा रहे महत्वपूर्ण कदम क्या क्या हैं। अपने गौरवशाली इतिहास के लिए प्रसिद्ध उदयपुर पर्यटन के लिए मशहूर है। शायद ही कोई ऐसा पर्यटक हो जो राजस्थान में आकर उदयपुर न आया हो। देश विदेश से आने वाले पर्यटकों की बढ़ती आवाजाही की वजह से उदयपुर को अन्य शहरों के मुकाबले एक अलग पहचान मिली है। इसी वजह से उदयपुर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का शहर बनाना बहुत जरूरी हो गया था। इम्प्रूवमेंट करते हुए जिस तरह से अन्य प्रमुख शहरों में जैसे अमृतसर या बाकी जगहों पे हेरिटेज का काम हुआ है, जहां पे फसाद इम्प्रूवमेंट अच्छी तरह से उनको लिट अप करके और जिस तरह से उनके ऊपर फोकस लाया गया है, उसी तरह का काम हमारे यहां पे भी वर्ल्ड सिटी एरिया के तहत किया जाएगा। साथ ही साथ जैसे आपने बताया पर्यटकों के लिए सुविधाओं में भी बढ़ोतरी की जाएगी। बायो टॉयलेट्स की जैसे फैसिलिटी है, हमने अभी अपने सारे जो टॉयलेट हैं शहर के उनकी जीआईएस मैपिंग कर ली है, जो किसी भी नागरिक को उसके मोबाइल पे अवेलेबल हो सकती है कि कहां पे उसका सबसे पास का शौचालय है। और ना सिर्फ ये, उसे ये भी सुविधा मिलेगी कि उन शौचालयों की वो रियल टाइम रेटिंग भी कर सकता है। किसी भी शहर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए वहां की भौगोलिक स्थिति के अलावा जिन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर खास ध्यान दिया जाता है वो है आसानी से उपलब्ध होने वाली सुविधाएं, जिसके लिए शहर के पुराने सिस्टम को बदलकर नए सिस्टम से जोड़ा जाता है ताकि नागरिकों और पर्यटकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। बिजली की तरह लें तो पोल लेस सिटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जितनी केबल्स पोल पर हैं उनको अंडरग्राउंड केबलिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर डक्टिंग की कोशिश कर रहे हैं। डक्टिंग यानी एक पाइप हम नीचे डालेंगे रोड के साथ, उसी में बीएसएनएल की केबल हो, रिलायंस की भी हो, वीडियोकॉन की हो तो उसके भी हो, जिन जिन की भी, वोडाफोन वगैरह एयरटेल की हो, इस सारी उसमें हो, जिससे कि बार बार सड़क की खुदाई नहीं करनी पड़े। और इनके हर एक 15-20 फीट पर एक चैम्बर देंगे जो कभी कोई फॉल्ट हो तो उसमें से निकाल के वो चेक कर सके। इसी तरह पानी का 24/7 पावर सप्लाई का हम कोशिश कर रहे हैं कि शहर में पहले अभी 3 वार्ड हमने सेलेक्ट किए हुए हैं जहां लगातार 24 घंटे पानी देंगे। इसी तरह स्मार्ट मीटरिंग पानी के लिए भी और बिजली के लिए भी, वो दोनों कोशिश हम कर रहे हैं। सोलर के लिए अभी हमारा जो नगर निगम का कार्यालय है हमने वहां 80 किलोवाट का एक प्लांट लगाया है, सक्सेसफुल चल रहा है। और इसमें स्मार्ट मीटरिंग होने के पश्चात बिजली अगर आप खपत नहीं करते हैं तो आरएसीबी के कनेक्शन से उससे जुड़ जाती है, तो आप वापस उनको बेच भी सकते हैं। यही कंसेप्ट हम पूरे शहर में भी लागू कर रहे हैं और उदयपुर एकमात्र ऐसा नगर निगम है जिसने अपने बोर्ड में एक प्रस्ताव पास किया है कि 30% सब्सिडी सोलर पर राज्य सरकार दे रही है, 10% हम स्मार्ट सिटी के तहत देने वाले हैं, यानी कुल मिला के 40% की सब्सिडी एक आम उपभोक्ता को जो सोलर का प्लांट लगाने जा रहा है उसको मिलेगी। स्मार्ट सिटी होने का मतलब होता है नागरिकों की सुविधा और सुरक्षा। सुरक्षा के लिहाज से उदयपुर सिटी को हाईटेक सिटी बनाया जा रहा है जिसमें कम्युनिकेशन को मजबूत किया जाएगा। एक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जिसका निर्माण अभी हमारे कैंपस में चल रहा है, उसके तहत शहर के जो मुख्य मार्ग हैं, मुख्य चौराहे हैं, इंटरसेक्शंस हैं, एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हैं, उनके ऊपर कैमरे लगाए जाएंगे और सर्विलेंस के माध्यम से हमारे यहां पे 24 पुलिसकर्मियों का एक दल बैठेगा जो बड़ी स्क्रीन के ऊपर उन कैमरा से जो फीड आएगी उसको कंटिन्यूअसली मॉनिटर करता रहेगा। इसके साथ ही 2 अलग मॉड्यूल्स भी हमने बनाए हैं, एक एनालिटिक फोरेंसिक्स का, जो अगर कहीं पे कोई घटनाक्रम होता है तो इमीडिएटली वहां के वीडियोस को एनालाइज करके बता पाएगा कि कहां पे और किस वजह से वो घटनाक्रम घटा।
और साथ में एक हेल्पलाइन की भी फैसिलिटी इसके साथ इंटीग्रेटेड होगी, जिससे कोई भी नागरिक कहीं से भी इमीडिएटली सूचना वहां पे प्रोवाइड कर सके और ताकि इमीडिएटली मदद वहां तक पहुंच सके। इसके साथ ही उदयपुर में एक पहल ली गई है जो मेरे ख्याल में पूरे भारत में एक पहला कदम होगा। यहां पे एक लेडी पुलिस पेट्रोल टीम का गठन किया गया है, जहां पे 12 महिला दल अपने मोटरसाइकिल्स पे निकलते हैं और उनको इमीडिएटली कॉल किया जा सकता है। उदयपुर शहर में इंडस्ट्रीज को भी काफी बढ़ावा दिया जा रहा है। कहा जाता है कि उद्योग किसी भी शहर की रीढ़ की हड्डी होते हैं। यहाँ की इंडस्ट्रीज ने लाखों लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान किए हैं। मार्बल माइनिंग से लेकर कई और तरह के उद्योगों ने उदयपुर शहर को स्मार्ट सिटी बनने के लिए प्रेरित किया है। साथ ही स्थानीय उद्योगों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। जो माइनिंग और मेटलर्जी बेस्ड इंडस्ट्री है, जिसमें कि आप अगर चाहें तो हिंदुस्तान जिंक एक सबसे बड़ी जिंक कंपनी है और उसकी माइनिंग उदयपुर के चारों तरफ 100-200 किलोमीटर के अंदर है। दूसरी जैसे कंपनीज हैं तो सोपस्टोन है या वॉलकेम इंडिया है, जो कि वॉलस्टोनाइट और ये इसका उत्पादन करती है। तो दे आर अमंग द टॉप इन द वर्ल्ड। जो रोजगार उपलब्ध है, उन रोजगारों के ऊपर हमें ट्रेंड स्किल फोर्स अवेलेबल हो, उस स्किल फोर्स की ट्रेनिंग के लिए हमने ऑलरेडी 2-3 इंस्टीट्यूशंस के साथ एमओयू और टाई अप करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसमें ICICI फाउंडेशन जैसे निजी संस्थाएं भी जुड़े हुए हैं और RSLDC जैसे पब्लिक संस्थाएं भी जुड़ी हुई हैं, जिसमें हम ब्यूटी पार्लर, हॉस्पिटैलिटी, रिटेल, इन सब टाइप की ट्रेनिंग्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं, जिससे जो हमारा लोकल उद्योग है उस उद्योग को ट्रेंड सर्टिफाइड वर्कफोर्स मिले और ज्यादा से ज्यादा उस सेक्टर का की ग्रोथ हो सके। वक्त है एक और ब्रेक का और ब्रेक के बाद उदयपुर सिटी को स्मार्ट सिटी में बदलने वाले कुछ रोचक पहलुओं पर रोशनी डालेंगे। उदयपुर शहर की बढ़ती आबादी और नए रोजगार के अवसर तलाशते युवाओं के लिए एजुकेशन सिस्टम को भी मजबूत किया जा रहा है। स्थानीय और दूर दराज से आने वाले स्टूडेंट्स के लिए यहां स्थित मेडिकल और कृषि महाविद्यालय उदयपुर को सबसे आगे खड़ा करते हैं। यहां एजुकेशन का भी हब है, मेडिकल 3-3, 4-4 यूनिवर्सिटी है यहां मेडिकल की। यहाँ सरकारी कॉलेज है, सरकारी विश्वविद्यालय है, पैसिफिक विश्वविद्यालय है, गीतांजलि मेडिकल कॉलेज है, अनंता मेडिकल कॉलेज आ रहा है और एजुकेशन का भी काफी हब बनता जा रहा है। किसी भी शहर को स्मार्ट बनाने के लिए सबसे पहले वहाँ के सिस्टम का स्मार्ट होना जरूरी है, साथ ही वहाँ के नागरिक सभी आधुनिक सुविधाओं के इस्तेमाल के लिए तैयार हों। स्मार्ट गवर्नेंस इसी बात पर जोर देती है। स्मार्ट गवर्नेंस पे हमारा मेजर फोकस रहा है, क्योंकि राज्य सरकार की तरफ से भी एक बहुत महत्वपूर्ण योजना चलाई जा रही है जिसका नाम है स्मार्ट राज, जिसके तहत 22 सेवाएं जो आज के दिन में किसी भी नागरिक को दफ्तर में आके उसको लेना पड़ता है, वो सभी सुविधाएं ऑनलाइन अवेलेबल करा दी जाएंगी। जैसे आपका कुछ सुविधाएं जिसमें से हम ऑलरेडी मुहैया करा चुके हैं, जैसे आपका बर्थ और डेथ रजिस्ट्रेशन है या फिर ऑनलाइन टैक्स पेमेंट है, जिसके लिए पहले आपको दफ्तर आना पड़ता था, आज के दिन में हर नागरिक स्वयं अपना टैक्स निर्धारण कर सकता है और उसका पेमेंट ऑनलाइन कर सकता है। ये सभी सेवाएं मार्च 2017 से एक्टिव हो जाएंगी, जिसके बाद जो आपके ऐसे फंक्शंस हैं जिनके लिए आज के दिन आपको किसी ना किसी दफ्तर में जाना पड़ता है, उसके लिए आप घर बैठे बैठे अपने मोबाइल पे अपने फिंगर टिप से उन सभी सेवाओं का इस्तेमाल कर सकेंगे और उनके लिए पेमेंट दे सकेंगे। स्मार्ट सिटी बनने जा रहे उदयपुर में यातायात, सड़कें, कम्युनिकेशन सिस्टम, इंडस्ट्रीज, लोकल बिजनेस, नागरिक सुविधाएं, पर्यटन और एजुकेशन सिस्टम के अलावा एक और महत्वपूर्ण पहलू है और वो है यहाँ का खान पान। यहाँ की खैर सांगरी और गट्टे की सब्जी देश विदेश के सैलानियों को अपनी ओर हमेशा ही आकर्षित करती है। मैं हैदराबाद से हूँ, मगर खाना यहाँ पे जो खाया, खैर सांगरी, गट्टा करी, बाकी भी जितने भी सारी कड़ी, दाल कड़ी चावल, बहुत ही बढ़िया खाना है यहाँ पे। यहाँ का जो स्वाद है वो कहीं और नहीं आता। खाना यहाँ का जो लोकल राजस्थानी खाना है, गट्टे का साग, खेत सांगरी, हम जब से आए हम सुबह शाम वही चीजें खा रहे हैं और हमें बहुत पसंद है। एक और चीज जो बहुत पसंद है, यहाँ की चाट।
तो ये था उदयपुर और इसके स्मार्ट सिटी बनने की शुरुआत का जाय। Focus. Ideate. Innovate. Enable.